रोड शो कल नामांकन से पहले का ये रोड शो है। ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त इस रोड शो को हो चुका है और किस तरीके से फूलों की बरसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसमें अलग अलग इलाकों से होकर 11 अलग अलग इलाकों से होकर ये रोड शो गुजर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बीच लगातार साथ में पब्लिक भी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप देख रहे हैं कि साथ में इस रथ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। इसके अलावा योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी इस रोड शो में साथ साथ चल रहे हैं। एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि कल नामांकन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये भी जानकारी है कि कल सुबह पहले प्रधानमंत्री 80 घाट जाएंगे, वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 11:40 का वक्त रखा गया है नामांकन दाखिल करने के लिए और नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर उसके बाद अपने झारखंड दौरे पर निकल जाएंगे। एक और ख़ास बात यह है कि कल जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुल 12 स्टेट्स के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री उस वक्त मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। 4 प्रस्तावक साथ होंगे, लेकिन क्योंकि एक बड़ा ये इवेंट है तो ऐसे में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, इस तरह की जानकारी भी लगातार मिल रही है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए कैसे इस वक्त काशी भगवामय हो गई है, मोदीमय हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 टर्म से काशी से सांसद हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली बार जब 2014 में काशी में जीत मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो अपने नज़दीकी उम्मीदवार को उन्होंने करीब 3,70,000 वोटों के अंतर से हराया था और जीत का ये मार्जिन 2019 में बढ़कर 4,79,000 हो गया था। और इसलिए इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो काशी है वो नरेंद्र मोदी को और ज़्यादा प्यार देगी और पिछली बार जो जीत का अंतर था वो इस बार और बढ़ेगा, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीद इस बार कर रहे हैं क्योंकि पिछले दो बार की जीत बहुत बड़ी थी। हालांकि इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार पुष्प वर्षा हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रथ पर जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवार हैं। और ख़ास बात यह है कि इस रोड शो के दौरान जगह जगह देश की अलग अलग संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही है। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं डमरू बज रहे हैं, अलग अलग जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी अलग अलग जगह हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में जो कलाकार हैं वो अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि काशी जो है उसे इस वक्त एक मिनी इंडिया का स्वरूप दिया गया है। एक मिनी इंडिया, अगर आप काशी को देखेंगे, इस ओवरऑल पूरे रोड शो को देखेंगे तो एक मिनी इंडिया का स्वरूप दिखाने की कोशिश इस रोड शो के ज़रिए की जा रही है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए तो उसके बाद किस तरीके से उनका जो दिन है वो आगे बढ़ा है। महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, ये प्रतिमा जो है ये बिल्कुल BHU गेट जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके सामने है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की ये प्रतिमा, जिस पर नमन किया, हाथ जोड़े, फिर माल्यार्पण किया, उसके बाद रोड शो की शुरुआत की। और आप देखिए कितना ज़बरदस्त जनसैलाब, ज़बरदस्त भीड़ इस रोड शो में है और अलग अलग जगह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग स्टेट्स के लोग मौजूद हैं और अपने राज्य की संस्कृति के मुताबिक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। इस रोड शो के दौरान एक और ख़ास बात यह है कि 5,000 मात्र शक्ति यानी कि 5,000 महिलाएं भी इस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब से कुछ देर में ये रोड शो बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। और ये और खबर इस वक्त मिल रही है कि रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, काशी विश्वनाथ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5:15 के आसपास से रोड शो शुरू हुआ था और करीब 2.5 घंटे के इस रोड शो के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, PM का रोड शो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँच गया है और अब काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी दर्शन पूजन करेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे और फिर
कल सुबह वो 80 घाट में जाकर गंगा स्नान करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। तो BHU गेट के सामने से, महामना की प्रतिमा के सामने से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूट था इस रोड शो का। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का रथ, ये रोड शो इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुका है। ये रोड शो काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुका है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी धाम के अंदर जाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे करके PM मोदी आगे बढ़े और पूरे रास्ते ज़बरदस्त स्वागत सत्कार काशी ने किया है अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेंगे, पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अरविंद चतुर्वेदी हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं उनके पास चलूंगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखते रहिए, ये तस्वीरें आप देखिए कि काशी ने कैसे स्वागत किया है अपने सांसद का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अगर मैं पिछले दो टेन्योर की बात करूं, जो 2014-2019 का कार्यकाल रहा है, इन 10 सालों के दौरान जो काशीवासी हैं वो कहते हैं कि PM मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया। सबसे बड़ा तोहफा तो काशी को जो काशी कॉरिडोर बना कर दिया वो, जिससे काशी के लोगों की आय में भी इजाफा हुआ, उनका जीवन स्तर सुधरा। एक वक्त था जब काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते तो थे, लेकिन उनका ये फीडबैक होता था, ये कहना होता था कि बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, पतली पतली गलियां हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियां व्यवस्थाएँ होती हैं। लेकिन जब से ये काशी कॉरिडोर बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, उनके सांसद बनने के बाद काशी से, उसके बाद न सिर्फ सुविधाओं में इजाफा हुआ है बल्कि काशी अब रेवेन्यू जनरेट कर रही है। काशी से जो काशी के लोग हैं, काशीवासी हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है काशी कॉरिडोर बनने के बाद। और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जिनकी आजीविका बाबा विश्वनाथ धाम के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थी, अब उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। लगातार सुविधाएं क्योंकि यहाँ पर मिल रही हैं, इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या, हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में इसका पूरा पूरा फायदा काशी को मिल रहा है, काशी के लोगों को मिल रहा है। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन से पहले रोड शो कर रहे हैं, तो इस दौरान काशी कितना प्यार PM मोदी पर लुटा रही है। और ये बताया जा रहा जानकारी के मुताबिक, जहां से इस रोड शो की शुरुआत हुई वहां से लेके काशी विश्वनाथ धाम तक करीब 10 लाख लोग जुटे हैं अलग अलग जगह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। और देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार आए हैं जो अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह ऐसे 100 पॉइंट्स 6 किलोमीटर के रोड शो के दौरान बनाए गए, जहां पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। जगह जगह अलग अलग स्टेट से आए जो लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और अब PM मोदी का ये काफिला, ये रोड शो इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम पहुँच चुका है। और अब थोड़ी देर में PM मोदी काशी विश्वनाथ धाम में जाएंगे और वहां बाबा के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगेंगे, और उसके बाद फिर कल रोड शो करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज का दिन अगर मैं देखूं प्रधानमंत्री मोदी का, तो बहुत हैक्टिक आज का उनका दिन रहा, क्योंकि कल वो पटना पहुंच गए थे सुबह, फिर पटना में उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा की, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे सुबह गुरुद्वारे में रोटियां बना रहे थे। उसके बाद जो गुरुद्वारे में प्रसाद खाने के लिए जो लोग पहुँचे थे उनकी सेवा प्रधानमंत्री ने की। उसके बाद PM हाजीपुर गए, सारण गए, और अब इस वक्त वो काशी में हैं, रोड शो वो कर रहे हैं। रोड शो लगभग उनका पूरा हो चुका है और अब से कुछ देर में काशी विश्वनाथ धाम जाकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये भीड़, ज़बरदस्त भीड़ है जो BHU गेट से लेकर यहाँ तक, यानी कि काशी विश्वनाथ धाम तक जो रोड शो पूरा चला है, इस दौरान लगातार भारी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सत्कार करने के लिए मौजूद रही। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगातार इस रोड शो में उनके साथ आप देख रहे हैं मौजूद हैं। और जैसा कि अपने हर रोड शो में दिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज ठीक एग्जैक्टली वैसे ही बॉडी लैंग्वेज है PM मोदी की। और भगवा धारण किया हुआ है उन्होंने, आज भगवा कुर्ता पहनकर वो काशी में आए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, और हाथ में वही BJP का जो एक चुनाव चिन्ह है कमल,
वो लेकर, जैसा कि अपने हर प्रचार के दौरान पीएम मोदी मौजूद रहते हैं, अपने हर शो के रोड शो के दौरान पीएम मोदी चलते हैं, ठीक उसी अंदाज में आज भी इस रोड शो को पूरा करते हुए आप देखिए कि जो पूरी गाड़ी है जिस पर सवार हैं वो पट गई है पूरी तरीके से फूलों से। और ये भी जानकारी है कि करीब 1000 क्विंटल के आसपास फूल यहाँ पर मंगाए गए थे आज के इस कार्यक्रम के लिए। और आप देखिए कैसे पुष्प वर्षा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पर हो रही है। अच्छा, मैं कल सुबह का भी अगर कार्यक्रम मैं आपको बताऊं तो कल भी सुबह के वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहले 80 घाट जाएंगे, जैसा कि जानकारी मिल रही है। सुबह 80 घाट पर पहुंचेंगे, 80 घाट पहुंचने के बाद वहां पर गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव के मंदिर जाएंगे, वहां पूजा करेंगे और फिर उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे ही उनके साथ, लेकिन कुल 12 राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे 12 मुख्यमंत्री हैं जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये तीसरा मौका है, तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन भरने काशी पहुंचे हैं। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आज इस रोड शो के जरिए काशी की जनता का वो आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि पहले टर्म में बड़ी जीत मिली, दूसरे टर्म में उससे बड़ी जीत नरेंद्र मोदी ने यहां से हासिल की, दो बार देश के प्रधानमंत्री बने और तीसरा टर्म प्रधानमंत्री के तौर पर मिले, एक बार फिर से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और काशी ने भी दिल खोलकर नरेंद्र मोदी का आज स्वागत किया है। अच्छा, जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि अभी इस वक्त काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो वाराणसी का दिल जिसको कहा जाता है, गोदौलिया को, गोदौलिया से पहुंचा था उनका रथ और फिर गोदौलिया के बाद ही जो एक रास्ता है अलग कटता है वो काशी विश्वनाथ धाम के लिए, जो कि सीधा गेट नंबर 4 पर लेकर जाता है। तो इसी रास्ते, इसी रूट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी गोदौलिया से उस रास्ते के जरिए काशी विश्वनाथ धाम पहुँचे हैं गेट नंबर 4 पर, जहाँ पर अब वो आगे अंदर जाएंगे धाम में और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। जब आप तस्वीरों में भी देखी, काशी इस वक्त पूरी तरह से मोदीमय है, भगवामय पूरी तरह से हो चुकी है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस रोड शो के दौरान, देखिए सड़क के दोनों किनारे लगातार वो जुटी रहीं, बनी रहीं और इस रोड शो में भी मातृशक्ति का एक संदेश देने के लिए 5000 महिलाएं इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगातार BHU गेट से यहाँ काशी विश्वनाथ धाम तक इस रोड शो का हिस्सा रही हैं। अरविंद चतुर्वेदी हैं इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं अरविंद के पास चलता हूं। अरविंद, अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो अब काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुका है और यहां पर अब दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरे सामने वो तस्वीरें हैं, हम लोग मोबाइल के जरिए देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके पास पहुंच चुके हैं और कितना सपना, कितना बड़ा सपना इन्होंने देखा था जब विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने का निर्णय लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया तो सबसे पहला जो काम किया गया था वो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट आवंटन का काम किया था, उन जगहों को चिन्हित किया जाने का काम किया गया जो इसके आसपास थी। पहले चरण में 314 मकान जो है चिन्हित किए गए, ये ऐसे मकान थे, ये तीन तरीके के मकान थे। एक तो ऐसा मकान था जो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित हो रहा था, एक कुछ मकान ऐसे थे जो सेवित लोग जो उसमें जो मंदिरों की पूजा करते थे, सेवा करते थे वो लोग थे, और तीसरा जो मकान था वो इंडिविजुअल मकान था। और इन मकानों को खाली कराने के लिए, जो क्योंकि कॉरिडोर चूंकि बहुत बड़ा बनना था तो इन मकानों को खाली कराने की जिम्मेदारी ट्रस्ट को, प्रशासन को दी गई। उसके बाद उन लोगों को चिन्हित किया गया, बाकायदा एक अलग से ऑफिस की व्यवस्था की गई और एक ऑफिस यहाँ पर बना दिया गया जिसका ये काम होता था कि जो जमीन है जो मकान बेचना चाहते थे उनके साथ बातचीत करें, सहमति बनाएं और सहमति को बनाने के बाद जो है इस क्रम को आगे बढ़ाएं। किसी का मकान जबरदस्ती नहीं लिया गया,
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा यहाँ के अफसरों से कह रखा था, और उसके बाद जो है इतनी बड़ी परिकल्पना जो है हमारे सामने आई। कुछ कुछ तो ऐसे मकान थे जिनके परिवार के लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप रहते थे, उनको भी वहाँ कॉन्टेक्ट किया गया। बहुत सारे ऐसे आश्रम, जैसे यहाँ पे एक उदासीन आश्रम है, इस आश्रम को खाली कराने में 1 साल का समय लग गया। आप सोचिए कि चूंकि इसका मेन जो मुख्यालय है उदासीन आश्रम का वो पंजाब में था, यहाँ से बाकायदा एक टीम भेजी गई, वहाँ से महंत जी को आमंत्रित किया गया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, उनको मुख्यमंत्री आवास में बुलाया, और उसके बाद जो है एक रास्ता बनाया गया, एक रास्ता निकाला गया कि किस तरीके से उदासीन आश्रम को वहीं पर विश्वनाथ मंदिर के बगल में जमीन दी जाएगी और जहां पर वो अपने शिक्षण संस्थान, एजुकेशन के संस्थान संचालित कर पाएंगे। तो जो दिखता है सपना तो दूर से दिखता है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब आप उसको नज़दीक से देखते हैं, जब उसमें तकलीफ़ों को समझते हैं, तब आपको पता चलता है कि आखिर कितनी तकलीफ के बाद वो सपना पूरा हुआ होगा। मेरे साथ 2 लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग मेरे पीछे भी खड़े हैं। ये टोपी तो ज़रूर जो है इन्होंने भाजपा की लगाई हुई है, लेकिन ये लोग जो है मेहनत से इनका इन्होंने बनारस में अपना मुकाम हासिल किया है। मुन्ना जी हमारे साथ हैं, इनका वैसे नाम तो अनूप दुबे है लेकिन हम लोग मुन्ना जी कहते हैं, जरा बड़ा भोजपुरी में हम लोग इनसे बतियाएंगे। मुन्ना जी मुझे जरा ये बताइए कि मोदी जी के आवे के बाद कितना कुल बदला लो, का माहौल बना लो? मोदी जी के आने के बाद पूरा बनारस बदल गया है, है? और इस समझिए कि बनारस में दो दो कैंसर अस्पताल आयल मोदी जी बदौलत आयल। जो लोग बम्बई जाते थे इलाज के लिए, नंबर नहीं मिलता था लोगों को, वहाँ जगह नहीं मिलती थी, परेशान रहते थे लोग, उस सब लोगों के कैंसर अस्पताल आने से जो है बहुत राहत हुआ। आज की तारीख में लाखों लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं, अगल बगल के कई जिलों के लोग यहाँ आकर के जो है इलाज कर देते हैं। ट्रामा सेंटर मोदी जी की देन है। बनारस कॉरिडोर ने ऐसा बनारस का कायाकल्प किया कि 1 से 1.5 लाख टूरिस्ट पर डे आते हैं यहाँ पे, जो कभी कभी क्या नाम है साल में 3 लाख टूरिस्ट का आंकड़ा हुआ करता था, आज 1 करोड़ का आंकड़ा है, छूता है। तो टूरिस्ट आने से क्या हुआ कि बनारस का बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, होटल इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, बनारस साड़ी बुनकर से यहाँ। लेकिन यार मुन्ना भैया कितना फायदा हुआ? नहीं, मेरे को जब सबको फायदा होता है तो मुझको भी फायदा होता है। मैं भी तो इसी बनारस में हूँ। बनारस पे फोकस हुआ तो रियल इस्टेट का बिजनेस भी बनारस में बढ़ा। मैं रियल इस्टेट कारोबारी हूँ, तो रियल इस्टेट में भी बूम आया है, पैसा आ रहा है मुन्ना भैया। बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, हमारे बगल में तेजू भैया बैठे हुआ, इनका तो वैसे मेडिकल का काम हो, बेचारे मेडिकल के लिए लोग सोचते हो कि सुबेरे मनवाए पड़ा ला कि भैया कोनो मरीज आ जाए, है ना? तेजू भैया ये बताइए कि कोई आपका मतलब आपका दुकान है, लेकिन अब अभी तो हम नहीं कहेंगे कि भाई किसी को मनाइए कि कोई मरीज हो जाए, है ना? लेकिन बनारस कैसे बदला, जरा ही बनारस इकोनॉमिकली, कल्चरली और क्या कहते हैं आपको, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तुलना में दबा था, वो काफ़ी उभर के आ गया। अब यहाँ कोई वो खेती का कारोबार नहीं है, लेकिन इतना मोदी जी ने इसका विकास किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे रिच हो गया ये। अच्छा। हाँ, पहले तो पश्चिम में जाए के सोचा था अपना जीवन, नहीं पश्चिम में पैसे का फ्लो था ज्यादा। अच्छा। अब बनारस वो स्टैंड बनारस में आ गया, पैसा पकड़ के यहाँ लिया गया, है ना? आ नहीं गया, अपने आवे उड़ के आवत हो। क्या हो था? तो तुहर तू दुवर और विचार कि वहाँ चल के दुकान ले ली मेरठ में, अब एट ना दुकान नहीं ले ले, हमें दुकान फुर्सत नहीं है अब हमें। इतना टाइम तुके मतलब इतना आदमी आवत हुआ, क्या बात है। देखिए ये बनारस का जो रंग है ना, ये यही रंग है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना वो यही के होके जा रहे हैं। और देखिए दवा का व्यवसाय करते हैं, लेकिन इनके मन में ये नहीं रहता कि नहीं ये कोई बीमार हो। लेकिन क्या है कि जब यहाँ पर ढेर सारे अस्पताल बन गए तो उसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के राज्यों से यहाँ पर लोगों के लिए आना बहुत आसान हो गया। झारखंड, बिहार और पूरे पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो यहाँ से लोग बड़ी आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे बन गए। पहले ऐसा कुछ नहीं था, और शायद ये सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। उन्होंने राजनीति को बदलने का काम तो किया ही, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलने का काम रोहित किया। और आज जो बनारस में और आसपास के जो जिलों की अगर हम बात करें, चाहे हम मिर्जापुर की बात करें, चाहे हम बगल में सोनभद्र की बात करें, पहले अगर हम लोग सोनभद्र जाना होता था ना तो हम लोग की रूह कांप जाती थी, क्योंकि इतना ज्यादा वहां का सड़क खराब था। लोगों ने वहां का खनन तो खूब किया, लेकिन सड़कें किसी ने नहीं बनवाई, सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई। अगर हम मिर्जापुर की बात करें, अगर आप कभी भी रामनगर के रास्ते से होते हुए आगे बढ़े हैं रोहित, तो बहुत बुरी हालत थी। मैं समझता हूँ मोदी ने इन सबको बदलने का काम किया।
ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी तस्वीर को, लोगों की राय को हम तक पहुंचाने के लिए। अब से कुछ देर में पीएम काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे।